Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Tamanna Singhal, and today we are going to continue chapter number 9 motion for class 9 science. This is part 2. Part 1, I have already shared the link you will get in the description box, or you can go on my channel and see it in the playlist given science class 9. So, let's start with the first topic for today, which is uniform and non uniform motion. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन लेट इट ट्रैवल फ़ाइव मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड फाइव मीटर मोर इन द सेकेंड सेकेंड फाइव मीटर इन दर्ड एंड फाइव मीटर इन द फोर्थ सेकेंड अब आप एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करो जो एक सीधी लाइन में चल रहा है उसको पाँच मीटर पहली सेकेंड में ट्रेवल कराओ पाँच मिनट पाँच मीटर दूसरी में पाँच मीटर तीसरे में और पाँच मीटर फोर्थ सेकेंड में ठीक है इस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसने पाँच मीटर डिस्टेंस कवर किया हर सेकेंड में इन दिस केस ऑब्जेक्ट कवर्स फाइव मीटर इन ईच सेकेंड एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज़ सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल सेट इक्वल uh, टाइम में कवर करता है जैसे एक सेकेंड में पाँच मीटर डिस्टेंस ही कवर करता है ऑब्जेक्ट या एक सेकेंड में दो मीटर डिस्टेंस ही कवर करता है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन सो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हो सकती है इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज़ सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन ठीक है टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल इस मोशन में जो टाइम इंटरवल है वो छोटा होना चाहिए इन आवर डे टू डे लाइफ we अक्रॉस across motions ऑब्जेक्ट्स कवर cover unequal डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हमने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अनईक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में फॉर एक्ज़ाम्पल आप कभी भी अपनी कार में जब राइड करते हो या फिर बाइक स्कूटी पर होते हो तो उस टाइम जब आप जाते हो कहीं पर अगर ट्रैफिक होता है तो आपको रुकना पड़ता है ठीक है कहीं पर आपके आगे कोई गाड़ी आ गई तो आपको जब भी रुकना पड़ता है या अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ती है तो ये क्या है टाइम तो इक्वल लग रहा है आपको लेकिन आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इक्वल नहीं है जितना आपने पहले कवर किया था उतना डिस्टेंस आपका नहीं है तो जो अन एकवल डिस्टेंस होता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल वेन अ कार इज़ मूविंग ऑन क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज़ जॉगिंग इन अ पार्क देर आर सम इंस्टेंसेज ऑफ़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एक्टिविटी एट पॉइंट फाइव द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन टेबल एट पॉइंट वन एग्जामिन दम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म टेबल एट पॉइंट वन में ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन के बारे में बता रखा है और हमें हाँ उन्हें एग्जामिन करना है ध्यान से कि वो जो मोशन है उन कार्स का या ऑब्जेक्ट्स का वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म अच्छा टाइम है नाइन थर्टी ए एम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए टेन मीटर ऑब्जेक्ट बी ट्वेल्व मीटर ओके नाइन थर्टी ए एम पे ऑब्जेक्ट ए ने टेन मीटर डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट बी ने ट्वेल्व मीटर किया अब नाइन फोर्टी फाइव पे पहले नाइन थर्टी का देखा अब हम नाइन फोर्टी फाइव पर देखते हैं नाइन फोर्टी फाइव पे ऑब्जेक्ट ए ने ट्वेंटी मीटर डिस्टेंस कवर किया और ऑब्जेक्ट बी ने नाइनटीन तो हम सब ट्रैक करके देखेंगे इसको इन दोनों को सब ट्रैक करेंगे टेन आएगा आंसर इन दोनों को सब ट्रैक करेंगे सेवन आएगा करेक्ट ओके okay. अब टेन ए एम पे ए ऑब्जेक्ट ए ने थर्टी मीटर डिस्टेंस कवर किया और ऑब्जेक्ट बी ने ट्वेंटी थ्री बी टू ए ने फिर से टेन मीटर कवर किया और नाइनटीन से ट्वेंटी थ्री कितना गैप आया फोर का जो डिस्टेंस ए ऑब्जेक्ट ने कवर किया था वो इक्वल डिस्टेंस था इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो ए ऑब्जेक्ट ने यूनिफॉर्म मोशन ए ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था लेकिन जो बी ऑब्जेक्ट था वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था तो आपको अब समझ आ गया होगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए समझ आ जाएगा अदरवाइज कॉमेंट मी डाउन बिलो एंड आई एल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन एट पॉइंट टू मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन अब हम रेट ऑफ मोशन को मेजर करेंगे लुक एट द दिचुएशन गिवन इन फिगर एट पॉइंट टू इफ द बॉलिंग स्पीड इज वन फोर्टी थ्री किलोमीटर पर आवर इन फिगर एट पॉइंट टू ए What does it mean? What do you understand from the sign board in figure 8.2b figure 8.2 ko dekhna hai hame figure को देखना है हमें ho rahi hai wo 143 में जो hour हो रही है वो rahi hai okay किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रही है ओके okay. और ये जो फिगर एट पॉइंट टू बी में है ये साइन बोर्ड हमें क्या दिखा रहा है साइन बोर्ड दिखा रहा है कि स्पीड लिमिट क्या है कार्स के लिए स्पीड लिमिट्स फिफ्टी किलोमीटर पर आवर है लेकिन जो ट्रक्स के लिए वो स्पीड लिमिट वो है फोर्टी किलोमीटर पर आवर ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है जो इससे ज़्यादा स्पीड इससे ज़्यादा स्पीड एक्सीड करता है और आजकल तो ट्रैफिक पुलिस नहीं कैमरास होते हैं रोड पे जो आपका चलान आपकी पनिशमेंट आपके घर पे भेज देते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम लेते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के लिए सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली कुछ तेज चलते हैं कुछ स्लो चलते हैं धीरे चलते द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट जिस रेट पे ऑब्जेक्ट्स चलते हैं वो अलग हो सकता है ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट सेम रेट और जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है वो सेम रेट पे भी चल सकते हैं अलग अलग रेट पे, पे भी चल सकते हैं स्पीड के वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट इ यूनिट टाइम एक तरीका मोश रेट ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए आप डिस्टेंस निकाल लो एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया द एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड हाँ यह आपको याद रखना है स्पीड की एस आई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड क्या होती है मीटर पर सेकेंड दिस इज इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन इट दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड ये जो मीटर सेकेंड इन्वर्स है ये भी वही बताता है अगर आपको एक्सपोनेंट्स आते होंगे तो आपको पता है मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इन्वर्स एक ही बात है अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटी पर सेकेंड और सेंटीमीटर सेकेंड इन्वर्स ऐसा यूनिट तो होती है मीटर पर सेकेंड लेकिन और भी सारी और भी यूनिट्स होती हैं जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर ठीक है टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स magnitude. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है जो भी नंबर होता है जैसे ट्वेंटी एट मीटर ट्वेंटी एट मीटर में ट्वेंटी एट जो है वो मैग्नीट्यूड है ठीक है ट्वेंटी एट एक मैग्नीट्यूड है उसके साथ यूनिट चाहे कुछ भी हो ओके द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं हो तो भी चलेगा द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्सटेंट जो स्पीड है वो जरूरी नहीं है वो कॉन्सटेंट ही हो वो वेरी भी कर सकती है जैसे एक पॉइंट पे वो ट्वेंटी एट किलोमीटर पर आवर है दूसरे पॉइंट पे वो फाइव किलोमीटर पर आवर है ऐसे स्पीड जो है वो वेरी कर सकती है इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज़्यादातर केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा देयर फोर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड इसलिए हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का उन्हें एवरेज स्पीड में डिस्क्राइब करते हैं एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑप्टेंड बाई डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई द टोटल टाइम टेकन जो एवरेज स्पीड है हम उसको टोटल डिस्टेंस कवर्ड को डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम टेकन से तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही ये है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ठीक है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन इट्स स्पीड वी इज अगर कोई ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है टाइम टी में तो उसका जो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी वी इक्वल्स टू एस बाई टी स्पीड को इसमें वी बोला गया है डिस्टेंट डिस्टेंस को एस और टाइम को टी और हम जनरली भी इन्हीं तीन लेटर्स से स्पीड डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं लेटेस्ट अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल देखते हैं अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड किलोमीटर इन टू आवर्स एक कार हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है दो घंटे में उसकी जो एवरेज स्पीड दे रखी है वो है फिफ्टी किलोमीटर पर आवर द कार might नॉट हैव ट्रैवल्ड एट फिफ्टी किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम हाँ जरूरी नहीं है कार ने फिफ्टी किलोमीटर पर आवर ही ट्रैवल किया है हर एक टाइम पे अगर ट्रैफिक होगा या कुछ वो अगर अगर ट्रैफिक होगा तो जो उसकी स्पीड होगी वो वेरी करती रहेगी उसकी कार कभी स्लो होगी कभी फास्ट समटाइम्स इट माइट हैव ट्रैवल फास्ट एंड समटाइम्स स्लोअर देन दिस ठीक है अब हम देखते हैं एग्जाम्पल एट पॉइंट वन इससे आपको और क्लियर कट समझ आ जाएगा एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल सिक्सटीन मीटर इन फोर सेकेंड्स एंड देन अनदर सिक्सटीन मीटर इन टू सेकेंड्स वॉट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ने सिक्सटीन मीटर ट्रैवल किया चार सेकेंड में और दो बाकी का सिक्सटीन मीटर ट्रैवल किया दो सेकंड में तो अब हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है ठीक है तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया ऑब्जेक्ट ने सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन क्योंकि दो बार में हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट ने दो बार डिस्टेंस कवर किया है अलग अलग टाइम में तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू मीटर आ जाएगा टोटल टाइम क्या आएगा फोर प्लस टू मतलब सिक्स सेकेंड्स तो अब आपके पास आराम से आ जाएगा वी इक्वल्स टू एस बाई टी फार्मूला से ठीक है क्या आएगा वी इक्वल्स टू तो एस वाले एस वाई टी वाले फार्मूला से थर्टी टू बाई सिक्स थर्टी टू बाई सिक्स को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा फाइव पॉइंट थ्री थ्री मीटर पर सेकेंड ध्यान रखना जो आपकी यूनिट्स हैं वो एस आई यूनिट्स में ही होनी चाहिए कई बार क्वेश्चन में हमें किलोमीटर पर आवर दे देते हैं और एक बार मीटर दे देते हैं तो हमें उसको किसी भी एक यूनिट में या तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो लेकिन अलग अलग यूनिट्स में मत करना आपका आंसर गलत आएगा क्योंकि कभी भी हम दो डिफरेंट यूनिट्स को एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते अब हम देखते हैं स्पीड विद डायरेक्शन द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कंप्रेसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद स्पीड ठीक है जो रेट ऑफ मोशन है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब और भी ज़्यादा इलेबोरेटिव हो जाएगा अगर हम उसकी डायरेक्शन भी उसके मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी स्पीड के साथ स्पेसिफाई कर दें क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी अब वेलोसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे आप ध्यान से सुनना वेलोसिटी क्या होता है ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड दोनों चीज़ें बताती है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी दो चीज़ें बताती हैं किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और कितनी स्पीड में मोशन हो रहा है ठीक है वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक डेफिनेट डायरेक्शन में ठीक है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड वो चेंज कर हो सकती है ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने से या फिर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने से और कभी कभी अगर दोनों चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है वेद एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता है एक डिफरेंट स्पीड से मतलब यहाँ पे ए पॉइंट पर स्पीड फिफ्टी किलोमीटर पर आवर है बी पॉइंट पर जाने के बाद उसकी जो स्पीड है वो फोर्टी किलोमीटर पर आवर हो गई तो हम उसे एक्सप्रेस करेंगे वी वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलासिटी जैसे हमने एवरेज स्पीड करी थी वैसे ही हम एवरेज वेलासिटी निकाल लेंगे इट इज़ कैलकुलेट इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड ऐसे ही हम एवरेज स्पीड जैसे हमने कैलकुलेट करी थी वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म ही वेलोसिटी है तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो अरिथमेटिक मीन होगा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का ठीक है देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ठीक है एवरेज वेलासिटी अगर यूनिफॉर्म होगी सिर्फ जब क्या होगी इनिशियल वेलासिटी प्लस फाइनल वेलासिटी डिवाइडेड बाई टू ठीक है इस इनिशियल वेलासिटी को हम यू बोलते हैं एवरेज फाइनल वेलासिटी को हम वी बोलते हैं ठीक है और जो एवरेज वेलासिटी है हम उसको लिखते हैं वी और नीचे ए वी वेयर ए वी इज द एवरेज वलॉसिटी यू इज़ इनिशियल वेलासिटी एंड वी इज़ फाइनल वेलासिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पीड एंड वेलासिटी हैव सेम यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इन्वर्स स्पीड और वेलासिटी की सेम यूनिट्स होती हैं मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इन्वर्स ठीक है एक्टिविटी एट पॉइंट सिक्स मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्राम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल मेजर करो आपके घर से बस स्टॉप पर या फिर आपके स्कूल तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है इफ़ यू कंसिडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज़ फोर किलोमीटर पर आवर अगर आप वो देखो तो आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वॉकिंग वॉकिंग स्पीड होगी फोर किलोमीटर पर आवर एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और डिस्ट स्कूल बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस एस्टिमेट करो अपने बस स्टॉप से अपने घर से बस स्टॉप का या फिर अपने स्कूल का डिस्टेंस एक्टिविटी एट पॉइंट सेवन एट अ टाइम वेन इट इज़ क्लाउडी दे आर मे बी फ्रीकुंट थंडर एंड लाइटनिंग कई बार जब जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी क्लाउडी होता है बारिश जैसा मौसम होता है तो कई बार बिजली कड़कती है देखा होगा थंडर और लाइटनिंग तो जो साउंड है थंडर की वो कई बार हमारे पास लाइटनिंग के बाद आती है पहले लाइटनिंग होती है उसके बाद आवाज आती है ठीक है आप ऑब्ज़र्व क्या करो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइंस में साइ द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच अस आफ्टर यू सी द लाइटनिंग कैन यू आंसर वाई दिस हैपन्स क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है हाँ ये ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो स्पीड ऑफ़ साउंड से ज़्यादा होती है इसलिए जो लाइट होती है वो हमारे पास जल्दी आ जाती है कम एज़ कम्पेयर टू साउंड मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग अ डिजिटल रिस्ट वॉच और अ स्टॉप वॉच ये टाइम आपको डिजिटल वॉच या फिर स्मार्ट वॉच लेके स्मार्ट सॉरी स्टॉप वॉच लेके आपको देखना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करो लाइटनिंग की नियरेस्ट पोजीशन से स्पीड ऑफ साउंड एयर में होती है थ्री फोर्टी सिक्स मीटर पर सेकेंड ज़रूरत नहीं है करने की पेपर में आएगा तो आपको दे रखा होगा सारी आपको यूनिट्स सारी आपको यूनिट्स वगैरह दे रखी होंगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो Now let's discuss the index questions on page number one zero two. After that velocity which have just which we have just completed, so the first question is distinguish between speed and velocity. Speed or velocity के बीच में हमें distinguish करना है मतलब उनका difference बताना है. तो ये question आप three marks में easily लिख सकते हो ये मेरे वाला answer. और अगर आपके पास खुद का कोई है तो आप वो भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें. Speed स्पीड ऑफ़ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम स्पीड किसी भी बॉडी का डिस्टेंस होता है जो उस बॉडी ने एक पर यूनिट टाइम कवर किया है वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन वेलोसिटी भी वही होता है जो स्पीड होता है लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है स्पीड डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करता वेलोसिटी डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है तो फर्स्ट पॉइंट तो आप दोनों में डेफिनेशन लिख दोगे सेकेंड पॉइंट में लिखोगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन स्पीड स्पीड में डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती वेलोसिटी में डायरेक्शन स्पेसिफाई की जाती है स्पीड जो है उसमें सिर्फ एक सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसलिए स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हैं इसलिए वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है अगर आपको इक्वेशन क्वेश्चन फोर मार्क्स में पूछा जाए तो आप कैसे लिख दोगे ये थर्ड पॉइंट को आप दो पॉइंट्स में बना दोगे पहला स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड दूसरा इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी में वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और फोर्थ पॉइंट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर टू अंडर वॉट कंडीशन इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज विलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी और उसकी जो एवरेज स्पीड है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल किन कंडीशन में होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ़ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ अच्छा जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का वो सेम जब होगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा मैंने बताया था ना स्ट्रेट लाइन क्या होता है द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर ऑटोमोबाइल का जो ऑडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है ऑडो ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑटोमोबाइल ठीक है जो ऑडोमीटर होता है ऑटोमोबाइल का वो डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है ऑटोमोबाइल ने या फिर व्हीकल ने क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन जब किसी ऑब्जेक्ट का पाथ यूनिफॉर्म होता है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो कैसा दिखता है एन ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी यूनिफॉर्म मोशन जब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में होए ये मैंने आपको पहले में बता चुकी थी चैप्टर की रीडिंग करते हुए कुछ फर, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो टाइम इंटरवल है वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो दिस मीन्स दैट इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कॉन्स्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन में वी चेंज ये हमें फिर ये बताता है कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें स्पीड कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए बेशक उसमें डायरेक्शन चेंज होती रहे एज लॉन्ग एज द स्पीड मीनस कॉन्सटेंट द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन कैन हैव एनी शेप हाँ वही है कि जब तक स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी जब तक वो यूनिफॉर्म मोशन होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है इट कैन बी स्ट्रेट पाथ कर्व्ड पाथैक्ट पाथ और इवन इवन अ सर्कुलर पाथ वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ भी हो सकता है कर्व्ड पाथ भी सर्कुलर या फिर जिग्जैक भी ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन फाइव मिनट्स क्वेश्चन नंबर फाइव है एक एक्सपेरिमेंट के बीच में सिग्नल स्पेस से स्पेसशिप से एक सिग्नल ग्राउंड तक पहुँचने में उसे पाँच मिनट लगे वट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्पेस शिप का ग्राउंड से जो सिग्नल है सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट जो सिग्नल है वो लाइट की स्पीड पे चलता है जो लाइट की स्पीड होती है थ्री इंटू टेन द पार एट मीटर पर सेकेंड सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फार्मूला लगाना है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वैल्यूज पुट करनी है वैल्यूज पुट करके क्या आएगा थ्री इंटू टेन रेज टू द पार एट इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन थ्री हंड्रेड सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा नाइन इंटू टेन रेज टू द पार टेन मीटर ठीक है ये आपका आंसर है सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय